नमस्कार अशोक चौहान जी, विजय वदितवर जी, सुभाष धोटे जी, नंदू नागरकर जी, हमारे कैंडिडेट्स सुरेश धांदरकर जी, नामदेव सेंधी जी, पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवादल के हमारे सब लोग, NCP के नेता, NCP के कार्यकर्ता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और गुड़ी पाड़वा के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव में हर भाषण में प्रधानमंत्री ने 15 लाख हर बैंक अकाउंट में डालने की बात की थी, याद है आपको? भूल गए? याद है ना? आया बैंक अकाउंट में मिला 15 लाख? अच्छा, 10 रुपए मिले? नहीं। तो हर भाषण में वो ये कहते हैं, और एक उनका भाषण मैंने भी देख लिया। मैंने सोचा कि ये आइडिया तो अच्छा है, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने का आइडिया तो बड़ा अच्छा है, अच्छा लगा मुझे। मगर झूठ था, 15 लाख झूठ था। तो कुछ महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को, थिंक टैंक को बुलाया, और उनसे मैंने कहा, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख का नंबर दिया, और झूठा नंबर था, खोखला था, उसमें कुछ दम नहीं था। और पिछले 5 सालों से नरेंद्र मोदी एक के बाद एक हिंदुस्तान के चोरों को सीधा बैंक अकाउंट में पैसा दे रहे हैं। नीरव मोदी को 35,000 करोड़, विजय माल्या 10,000 करोड़, अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए बैंक से, 30,000 करोड़ रुपए राफेल घोटाले में। तो मैंने कांग्रेस के थिंक टैंक से पूछा, एक बात बताओ, अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में हम हर महीना पैसा डालें, तो कितना पैसा डाल सकते हैं? पहला सवाल, क्या यह किया जा सकता है? और दूसरा सवाल, मुझे नंबर दो। मैं बड़े, मतलब बड़ी थ्योरी नहीं चाहता, किताब देखना नहीं चाहता, मैं एक नंबर चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का झूठा नंबर दिया, मैं सच्चा नंबर चाहता हूं। वो गए, 5-6 महीने उन्होंने काम किया। मैंने उनसे एक और बात कही, हम अर्थव्यवस्था को नष्ट नहीं करना चाहते, तो जो भी नंबर आप मुझे दोगे उससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। 6 महीने बाद वापस मेरे पास आए, कागज पे उन्होंने एक नंबर लिख के मुझे दे दिया। कागज पे लिखा था 72,000 रुपए हर साल। अब आप पूछोगे, ये 72,000 रुपए क्या नंबर है? और मैं आज यहां आपको बताना चाहता हूं, इस नंबर को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। 72,000 रुपए एक साल में, 360,000 रुपए 5 साल में। नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का झूठ बोला, मैं आपको 360,000 की सच्चाई बोल रहा हूं।
मैं स्टेट से कह दूंगा कि 15 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट में नहीं डाला जा सकता। अगर 15 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। मगर 3,60,000 रुपए हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार डाल सकती है, यह सच्चाई है। अभी ताली मत बजाओ, थोड़ा ठहरो क्योंकि आगे जाना है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है और मैं स्टेट से आपको गारंटी कर रहा हूं, झूठ नहीं बोलता हूं मैं, आपसे रिश्ता बनाना है। कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि 2019 के चुनाव के बाद, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, हमारी माताएं बहनें हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, कुछ भी हो, अगर उसकी आमदनी 12,000 रुपए महीने से कम की है, अगर उसकी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम की है, उसके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी साल के 72,000 रुपए डाल देगी। हर महीना आपके बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार पैसा डालेगी। अब यहां महिलाएं भी हैं, पुरुष भी बैठे हैं, जो पुरुष हैं उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, मगर पैसा जो जाएगा हमारी माताएं और बहनों के बैंक अकाउंट में जाएगा। क्यों कर रहे हैं हम, क्यों 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट नहीं, 25 करोड़ परिवार, 5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में हम पैसा क्यों डाल रहे हैं? इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ने आपसे वायदा किया, हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल 15 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिया है। विदर्भा का किसान हाथ जोड़कर कर्जा माफी मांगता है, आत्महत्या करता है, परिवार नष्ट हो जाते हैं। अरुण जेटली जी जवाब देते हैं, किसान का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं। कांग्रेस पार्टी ने इतना दबाव डाला, यूपी में, महाराष्ट्र में मेरे दौरे हुए, 2 साल पहले इन्होंने कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में कर्जा माफी का आपको फायदा मिला? मगर 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 उद्योगपतियों को माफ किए गए। अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी जी ये नहीं कहते, आजकल 15 लाख की भी बात बंद कर ली है, मगर आपसे ये नहीं कहते हैं कि 5 साल में 3,50,000 करोड़ रुपए मैंने 15 लोगों का माफ किया, उसमें से अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बैंक ने दिया है, नहीं कहते। आपसे कहा था प्रधानमंत्री मत बना, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता मैं तो चौकीदार बनना चाहता हूं, मुझे चौकीदार बनाओ। आपने कभी किसान के घर में, किसान के घर के सामने चौकीदार देखा है? मजदूर के घर के सामने आपने कभी चौकीदार देखा है? अनिल अंबानी के घर के सामने देखा है? अदानी के घर के सामने देखा है? तो चौकीदार ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों की चौकीदारी की। भाइयों और बहनों, 6 एयरपोर्ट,
छह एयरपोर्ट अदानी को दो मिनट में, जिस दिन पुलवामा में हमला हुआ उस दिन अखबार में छोटा सा, पूरा हिंदुस्तान पुलवामा की ओर, और नरेंद्र मोदी ने छह एयरपोर्ट निकाल दिए। पहले नारा चलता था अच्छे दिन आएंगे, अब देखिए नया नारा चला है, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। और इसने इतनी चौकीदारी की है पिछले पांच सालों में, इतने करोड़ों रुपए इसने अनिल अंबानी जैसे लोगों को दिए हैं कि हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सा पैसा हिंदुस्तान के गरीब लोगों के माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में डालें। आप बीमा का पैसा देते हो विदर्भ में, आप बीमा का पैसा देते हो, किसको देते हो? उन्हीं 15-20 लोगों को देते हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बांट रखे हैं। अनिल अंबानी को, अदानी को, उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट बांट रखे हैं। आपका नुकसान होता है, आपके खेत का नुकसान होता है, आप पैसा देते हो बीमा के लिए, और जब आपका नुकसान होता है फायदा उन्हीं कंपनियों को मिलता है। आपको कहा जाता है कि भैया आपका ही पैसा हम वापस नहीं लौटा रहे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव हुआ, मैंने ऐसे भाषण में वहां कहा, देखिए मैं आपको एक वायदा सीधा कर देता हूं, कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 दिन के बाद, चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी हर किसान का कर्जा माफ करके दे देगी। नरेंद्र मोदी जी ने भाषणों में कहा कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा? भाई और बहनों, 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन, 2 दिन के अंदर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सब किसानों का कर्जा माफ करके हमने दे दिया। पैसे की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है इस देश में पैसे की। आपको गुमराह जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है। हां, अगर किसान पैसा मांगे, मजदूर पैसा मांगे, छोटा दुकानदार पैसा मांगे, तो हां पैसे की कमी है। मगर अगर अनिल अंबानी पैसा मांगे, कोई कमी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट राफेल का, राफेल हवाई जहाज का, भाइयों और बहनों, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है, हजारों करोड़ रुपए। यूपीए सरकार ने निर्णय लिया था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल सरकारी कंपनी को दिया जाएगा, हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनेगा, महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगेगी, कर्नाटक में फैक्ट्री लगेगी, आंध्रा, तेलंगाना, अलग अलग प्रदेशों में हवाई जहाज बनाया जाएगा। कहीं उसके एवियोनिक्स बनाए जाएंगे, कहीं उसका रेडार बनाया जाएगा, कहीं उसके पंख बनाए जाएंगे, कहीं उसका इंजन बनाया जाएगा, अलग अलग हाई टेक्नोलॉजी की फैक्ट्री लगेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज था, फ्रांस जाते हैं अनिल अंबानी के साथ, फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमसे मिला और उसने हमें साफ बता दिया, अगर हिंदुस्तान राफेल हवाई जहाज खरीदना चाहती है तो 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को परे करो, दूसरी बात, हिंदुस्तान में हवाई जहाज बनाने की कोई जरूरत नहीं, हवाई जहाज फ्रांस में बनेगा, और तीसरी बात, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, चौथी बात, 526 करोड़ का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में आप खरीदिए, फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है।
मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उसकी बात दोहरा रहा हूं। इंटरनेट पर जाइए, नाम हॉलैंड है उसका, आपको मिल जाएगा। 30,000 करोड़ रुपए सीधा उसके जेब में अनिल अंबानी की जेब में। अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया। मैं कह रहा हूं उसको आपने कागज पकड़ा दिया और उससे कहा भैया एक काम कर, कागज का हवाई जहाज बना दो, वो कागज का हवाई जहाज नहीं बना पाएगा। 30,000 करोड़ रुपए उसकी जेब में। नरेंद्र मोदी उसको अनिल भाई कहता है, आपको मित्र कहता है, आपको कहता है मित्रों, उसको कहता है भाई। आपको कहता है कि किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, उसको कहता है ये लो 30,000 करोड़ रुपए। और अनिल अंबानी जैसे लोग नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग करते हैं, धड़ाधड़ टीवी पे दिन भर, सीधी सी बात। और हम न्याय चाहते हैं। अगर आप गरीबों को पैसा नहीं देना चाहते हो, 72,000 रुपए साल का जो है योजना का नाम न्याय रखा है, अगर आप गरीबों को पैसा नहीं देना चाहते हो तो ठीक है, मैं समझता हूं, तो फिर उनको भी मत दो। अगर आप किसान का कर्जा माफ नहीं करना चाहते हो, ठीक है मैं समझता हूं, तो फिर अनिल अंबानी का मत करो, विजय माल्या का मत करो, नीरव मोदी का मत करो। मगर अगर आप उनका कर रहे हो, अगर आप दिन भर उनको पैसा दे रहे हो, तो हम इनको भी पैसा देंगे। आप 1 रुपए दोगे तो हम 1 रुपए देंगे, आप 10 दोगे तो हम 10 देंगे। दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, चमकती हुई गाड़ी, प्राइवेट हवाई जहाज, और दूसरा आत्महत्या, भूख, डर, बेरोजगारी। मेक इन इंडिया कहा नरेंद्र मोदी ने, 45 साल से ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में। आप लोग जानते हो यहां आपके सब बिजनेस बंद हो गए, हुए नहीं हुए, इंडस्ट्री खत्म हुई नहीं हुई। अच्छा एक और बात बताओ, नोटबंदी से फायदा हुआ? यहां पे आपको एक कोई एक व्यक्ति है जो हाथ उठा के कह सकता है हां नोटबंदी से मुझे फायदा हुआ? कोई है यहां पे? आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, 10 साल के बच्चे से पूछो भैया एक बात बताओ, अगर 500 रुपए 1,000 रुपए का नोट रद्दी कर दिया, खत्म कर दिया, तो क्या होगा, फायदा या नुकसान? 12 साल का बच्चा कहेगा भैया, हाथ जोड़ के कहेगा, नहीं मैं टॉफी नहीं खरीद पाऊंगा, नुकसान होगा। मगर यह बात हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं समझ आई, हंसते हुए कहा 500 रुपए 1,000 रुपए का नोट रद्दी, हा। मतलब इतनी भी समझ नहीं। छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस, इंडस्ट्री खत्म हो गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, फिर कहते हैं फांसी पे चढ़ा देना मुझे, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, फांसी पे चढ़ा देना मुझे। काले धन की लड़ाई थी, आप सब बैंक के सामने खड़े थे, लाइन में आपने चोरों को देखा या ईमानदार लोगों को? लाइन में हिंदुस्तान के भ्रष्ट लोग दिखे? अनिल अंबानी दिखा? लाइन में किसान थे, मजदूर थे, माताएं बहनें थी, बेरोजगार युवा थे, और जो काले धन वाले थे उन्होंने अपना पूरा काला धन निकाल कर सफेद में बदल दिया। उसके बाद कहते हैं जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, जो दुकानदार छोटे बिजनेस वाले बच गए उनको जीएसटी से मारा। हर महीने फॉर्म भरो, हर महीने कोई ना कोई आकर रिश्वत लेगा, 5 अलग अलग टैक्स, 28% टैक्स, किसको फायदा हो रहा है इसका? हर रोज दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। 2019 में चुनाव जीतेंगे, गब्बर सिंह टैक्स को सच्ची जीएसटी में हम बदल के दे देंगे, एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा,
सरल टैक्स होगा और किसानों के लिए जैसे पहले रेलवे बजट होता था, अलग बजट होता था, सबको पता लग जाता था कि भैया रेलवे में इतना पैसा जा रहा है, वैसा हम किसानों को अलग बजट देंगे। हर साल आप देखोगे भैया इतना पैसा किसानों को दिया जा रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, नीरव मोदी, अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी बैंक लोन लेते हैं, पैसा वापस नहीं देते, जेल नहीं जाते, मगर विदर्भा का किसान बैंक लोन लेता है, अगर पैसा वापस नहीं दे पाता तो उसको एकदम पकड़ के जेल में डाल देते हैं। यह अन्याय क्यों? या तो दोनों को डालो अंदर, या नीरव मोदी को, अनिल अंबानी को डालो, या फिर किसी को नहीं डालो। तो हमने निर्णय लिया है 2019 के बाद किसान को कर्जे के लिए जेल में नहीं डाला जाएगा। तो ये सब चीजें की जा सकती हैं। बैंक का पैसा युवा एंटरप्रेन्योर्स को दिया जा सकता है। छोटा सा और उदाहरण देना चाहता हूं मैनिफेस्टो में। विदर्भा में युवा बिजनेस खोलना चाहता, पहला काम उसे बिजनेस खोलने से पहले हर डिपार्टमेंट में जाके उसको परमिशन लेनी पड़ती है। 20-25 जगह जाओ, परमिशन लो, उधर रिश्वत दो, बिजनेस चालू नहीं हो, शुरू भी नहीं हुआ, और हर डिपार्टमेंट में रिश्वत दो। तो मैनिफेस्टो में हमने साफ लिख लिया, देखो भैया अगर कोई भी युवा बिजनेस खोलना चाहता है 3 साल आपको किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं, आप पहले अपना बिजनेस चालू करो, 20-25-30 लोगों को रोजगार दो, एक बार आपका बिजनेस तैयार हो जाएगा, चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, फिर जाके सरकार से परमिशन लो। बड़ी बड़ी बातें की, विदर्भा में लॉजिस्टिक्स टर्मिनल बनाएंगे, विदर्भा के किसान को दुनिया के शहरों से जोड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी की सोच थी। बड़े एयरपोर्ट बनेंगे, किसान सीधा जाके अपना माल एयरपोर्ट में बेचेगा, फैक्ट्री में बेचेगा, डायरेक्ट सीधा जाएगा, आपका माल जाएगा अमेरिका। क्या किया उसके बारे में? कितना काम किया उस पर, उस योजना पे? किसान की बात आती है, बीजेपी कुछ नहीं करती। आपके खेत के बिल्कुल पास, और यह काम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है, आपके खेत के बिल्कुल पास फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री हम लगाना शुरू कर देंगे, जाल बिछा देंगे महाराष्ट्र में। आप सीधा अपना माल फैक्ट्री में बेचोगे, सही दाम आपको मिलेगा, स्टोरेज फैसिलिटी दे देंगे आपको। चौकीदार, ये सच्चाई है। आप लोग को लगता है, बताया जाता है पैसे की कमी है, किसान को पैसा नहीं दिया जा सकता, सिंचाई का काम नहीं किया जा सकता, युवाओं को बैंक लोन नहीं दिया जा सकता। ना, पैसे की कोई कमी नहीं है। मनरेगा को चलाने के लिए साल के 35,000 करोड़ रुपए लगते हैं, साल के, मतलब 35,000 करोड़ रुपए लेकर आप करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हो। 35,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी ने चुरा लिए, एक मनरेगा का पैसा एक आदमी उठा के ले गया,
विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये सब यही कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आएगी, जो पैसा इन 15-20 लोगों को जा रहा है वो पैसा सीधा मैं आपके बैंक अकाउंट में डालूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह दो कर दो, लोग जो करना है कर लो, जो कहना है कह लो, मेरे खिलाफ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सीधा उठा के 72,000 रुपए साल के हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में मैं डाल के दिखा दूंगा। चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। नाम न्याय योजना है, न्याय देना चाहते हैं हम। सर्जिकल स्ट्राइक है गरीबी पे, और मैं आपको करके दिखा दूंगा। और दूसरी बात सुनो, ये जो हमारी अर्थव्यवस्था बंद पड़ी है आज, जो ये सब आपकी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, क्यों बंद पड़ी? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, आपके जेब में से पैसा निकाला, नीरव मोदी के जेब में डाला, अनिल अंबानी के जेब में डाला, गब्बर सिंह टैक्स चालू शुरू किया, आपके जेब में से पैसा निकाला, अर्थव्यवस्था से सिस्टम से पूरा पैसा उठा के ले गए। जैसे ही हम न्याय योजना शुरू करेंगे, सीधा पैसा आपके बैंक अकाउंट में, आपके जेब में जाएगा। जैसे आपके जेब में जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, आप माल खरीदना शुरू करोगे। कोई टी शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई जूता खरीदेगा, कोई घड़ी खरीदेगा, कोई कैमरा खरीदेगा, कोई सेलफोन खरीदेगा। जैसे ही आप खरीदना शुरू करोगे, वैसे अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी। जैसे अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां एक बार फिर शुरू हो जाएंगी, यहां पे इंडस्ट्री चालू हो जाएगी, और आपके बच्चे जाकर सीधा फैक्ट्री में काम करेंगे। फैक्ट्री बंद होने का कारण भाइयों और बहनों यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब से पैसा निकाला। मैं आपके जेब में पैसा वापस डालूंगा, यह सब होगा। अंत में आपसे कहना चाहता हूं, विचारधारा की लड़ाई, एक तरफ नफरत, क्रोध, बंटवारा, जहां भी जाते हैं प्रधानमंत्री जी किसी ना किसी की बुराई कर जाते हैं। धर्म की बात करते हैं ना, हिंदू धर्म में सबसे जरूरी क्या होता है? गुरु। गुरु जरूरी होता है ना हिंदू धर्म में? गुरु शिष्य का रिश्ता होता है ना? मोदी जी के गुरु कौन है? अडवाणी जी। शिष्य गुरु के सामने हाथ भी नहीं जोड़ता, स्टेज से उठा के फेंक दिया नीचे गुरु को, जूता मार के अडवाणी जी को उतारा स्टेज से। और फिर हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म में कहां लिखा है कि लोगों को मारना चाहिए? कहां लिखा है कि हिंसा करनी चाहिए? कहां लिखा है मुझे दिखाओ, कहीं नहीं लिखा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, आप लोग, हम लोग जहां भी जाते हैं प्यार की बात करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, न्याय की बात करते हैं, किसान की मदद, मजदूर की मदद, गरीबों की मदद, विचारधारा की लड़ाई। मैं आपको बता रहा हूं, 2019 में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, हम सब की विचारधारा जीतने वाली, और उसके बाद जो सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं 15,00,000-2 करोड़ युवाओं को रोजगार, झूठ नहीं बोलने वाला, सच्चाई सुननी है, इधर आओ। 15 लाख नहीं दिया जा सकता, 3,60,000 रुपए दिए जा सकते हैं। 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार नहीं दिया जा सकता, मगर 22 लाख सरकारी रोजगार है, उनको हम भर देंगे एक साल में। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, वो हम कर देंगे। किसानों की मदद की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में कभी आप जाएं, धान के लिए 2,500 रुपए मिल रहा है, हर किसान को मिल रहा है,
एमएसपी को बढ़ाया जा सकता है और यह काम हम आपके लिए करना चाहते हैं और करेंगे। मगर सबसे जरूरी चीज यह भाईचारे और प्यार का देश है। नफरत से यहां किसी का फायदा नहीं होने वाला है, नुकसान ही नुकसान है। तो आप सबको, हम सबको एक साथ मिलकर इस देश को आगे ले जाना है। प्यार से सबको जोड़कर, सबके लिए जगह बनाकर, समाज के सब लोगों को जोड़कर प्यार से यह देश आगे जाएगा और वो 2019 में काम शुरू हो जाएगा। आप सब दूर दूर से आए मेरी बात सुनने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।